तो दोस्तों आज खेसारी लाल यादव का इवेंट था। इवेंट के दौरान खेसारी लाल यादव क्या क्या बातें बोले हैं पवन सिंह के बारे में, चलिए आप सभी को इस वीडियो में बता देना चाहता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो पहला सवाल पूछा जाता है खेसारी लाल यादव से कि पवन सिंह कहते हैं कि आके फरिया लो, तो खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि डर के मारे उनके सामने मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि उनके पास जैसे ही जाऊंगा वो लगते हैं हेलीकॉप्टर से घुमाने और बुलाएंगे तभी थोड़ा नहीं जाऊंगा, ऐसे भी मैं उनके पास चला जाऊंगा क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। और खेसारी लाल यादव बोले हैं चलिए बोल दिए कोई बात नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन हाँ उनके साथ रहने वाले कुछ लोग मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं तब जाके मुझे दिक्कत होता है। हाँ एक बात और खेसारी लाल यादव बोले हैं कि वो मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं मंच पे, लगता है उनको कि मेरा नाम ले लेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं नंबर वन था हूं और रहूंगा। और ज्यादा कुछ खेसारी लाल यादव नहीं बोले हैं, प्यार से बोले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगा है खेसारी लाल यादव का जवाब। लेकिन उसी इवेंट में पवन सिंह का कोई यूट्यूबर था, वो बोल दिया पावर इंजे से शुरू होला इंजे से खत्म। तो इसका भी खेसारी लाल यादव ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट जनरेटर। और खेसारी लाल यादव बोले हैं कि सब आप लोगों का दिया हुआ आशीर्वाद है, मेरे पास कोई पावर नहीं है, और आज के बाद पावर का नाम मत लेना। एक और खेसारी लाल यादव से सवाल पूछा गया है कि 8 साल पहले आप गाना गए थे हिंदी फिल्म में, लेकिन कुछ लोग चिल्ला रहे हैं लकीर लकीर, तो खेसारी लाल यादव ने बोले हैं कि पत्थर पे डूब जमेला तो ढोल ना बजेला। बाकी खेसारी लाल यादव ने वैसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे विवाद हो, भले ही यूट्यूबर लोग कुछ कर सकते हैं लिख सकते हैं थंबनेल पे, लेकिन वैसा बयान नहीं दिया है खेसारी लाल यादव ने। हमने पूरा इंटरव्यू देखा है, बाकी आप लोग देख लेना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे है।